हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद अजीम। मैं अजीम आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। इंटीजर्स ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, उसके डिटेल पार्ट्स जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं। एक समराइज वीडियो भी है उसका जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया है। समराइज वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए है जो इंटीजर्स का ओवरव्यू करना चाहते हैं, इंटीजर्स उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उसका भी ओवरव्यू करना चाहते हैं, सो रिवाइज करना चाहते हैं। समराइज पार्ट उनके लिए है और डिटेल पार्ट उनके लिए है जो इंटीजर्स को अभी बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन जो चैप्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सिंपल है, आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी अच्छा है और आपका जो एग्जाम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आपका ये जो चैप्टर है काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके जो क्वेश्चन है हाफ ईयरली हो या आपका फाइनल हो उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सो आज इसे स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन वीडियोस का आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिलता रहे। सो शुरू करते हैं। तो सिंपल इक्वेशन, अच्छा सिंपल इक्वेशन पढ़ने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि इक्वेशन का मतलब यहां किसी को पता है? इक्वेशन का मतलब समझते हैं आप इक्वेशन का क्या होता है? चलिए अगर नहीं समझते हैं तो देखिए क्या होता है। और फिर एक गेम भी आज खेलने वाले हैं और गेम एक मैं बताऊंगा आपको जो एक सिंपल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से ही बनता है उसके बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले आज पहले देख लेते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है, ये दो टर्म है जो हम मैथ्स में यूज करते हैं नॉर्मली, इक्वेशन और एक्सप्रेशन। तो ये दोनों टर्म्स का मतलब बताऊंगा, इक्वेशन किसे कहते हैं, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाता है, वो दोनों चीज मैं आज आपको बताऊंगा। तो पहले इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन भी मैं लिख देता हूं यहां पे, एक्सप्रेशन, ठीक है। इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन क्या होता है देखिए, पहले मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं इक्वेशन का, नहीं लिखता हूं पहले ये लिख देता हूं 3x प्लस 5। जो 3x प्लस 5 है ये क्या है, कोई बताएगा यहां पर कि 3x प्लस 5 क्या है, एक एक्सप्रेशन है या एक इक्वेशन है? चलिए, सो 3x प्लस 5 जो है ये एक कहलाता है एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नहीं है ये, इक्वेशन मैं अभी बताऊंगा तो आपको मतलब समझ में आएगा कि ये एक एक्सप्रेशन क्यों है और जो मैं एक और एग्जांपल अभी लिखने वाला हूं वो इक्वेशन क्यों है, ठीक है। सो मैं अभी लिख देता हूं कि 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है ना। ये दो चीजें मैंने आपके सामने लिखी है, एक लिखा है 3x प्लस 5, एक लिखा है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 25। तो इसमें कौन एक्सप्रेशन है कौन इक्वेशन है, बहुत इजी सा एक फंडा है, एक बहुत इजी सा तरीका है पहचानने का। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं इस वाले एक स्टेटमेंट में जो है इक्वालिटी का साइन आया हुआ है, इक्वालिटी का साइन आया हुआ है, एक यानी कि एक इक्वल का साइन आया हुआ है। तो इस चीज को जो हम कहेंगे, इस चीज को यानी कि 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 25, इस वाले स्टेटमेंट को हम इक्वेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे इक्वेशन? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ गया, एक इक्वालिटी साइन आ गया इसमें, ठीक है। यहां पर कोई इक्वल का कोई साइन नहीं था, यहां पर कोई इक्वालिटी का साइन नहीं था, इसलिए इस चीज को बोलेंगे एक्सप्रेशन। ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन इसे हम लिख देते हैं इक्वेशन, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ये एक्सप्रेशन क्यों हुआ, ये इक्वेशन क्यों हुआ, ठीक है। तो आपको क्लियरली जो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा दोनों में कि एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं और इक्वेशन किसे बोलते हैं। इक्वेशन बोलते हैं जिसमें आपका इक्वल का साइन आ जाता है, इक्वालिटी का साइन आ जाता है, वो हो जाती है आपकी इक्वेशन। जिसमें कोई साइन नहीं होता इक्वल का वो एक सिंपली होता है एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन और इक्वेशन का मैंने आपको बताया है, हमें आज जो पढ़ना है वो इक्वेशन पढ़ना है, तो मैं एक्सप्रेशन को भी रफ आउट कर देता हूं, ठीक है। चलिए, तो इक्वेशन हमने देखा क्या होता है, ठीक है। अब इक्वेशन में क्या है कि दो चीज है, देखिए यहां पे एक इक्वालिटी का साइन है और एक यहां पे कोई एक ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है कि ये एडिशन का ऑपरेशन है और हो भी सकता है कि इसमें एक आपका सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है। कैसे? 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 25।
तो क्या अभी भी इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल अभी भी इक्वेशन है, क्योंकि इक्वालिटी का साइन अभी भी है, ठीक है ना, इक्वालिटी का साइन अभी भी है, इक्वल का साइन अभी भी है, इसलिए ये दोनों क्या है, इक्वेशन है। ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है या आपका एडिशन भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सो ये दोनों अभी भी इक्वेशन है। सो कोई बच्चा ये पूछता है कि सर एक बात बताइए कि अगर कोई परफॉर्म जो आपका ऑपरेशन अगर परफॉर्म ना हो तो उसके ना होने पर भी कोई इक्वेशन इक्वेशन हो सकती है, मतलब कोई स्टेटमेंट इक्वेशन हो सकती है, जैसे 3x इज इक्वल टू 9। तो पूछते हैं कि सर ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या ये भी इक्वेशन है? तो हाँ बिल्कुल, ये भी एक इक्वेशन है, इसमें अभी भी एक इक्वालिटी का साइन अभी भी है, इक्वालिटी का साइन अभी भी लगा हुआ है, भले यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 9 सिंपली लिखा हुआ है, बट अभी भी ये एक इक्वेशन है। सो इक्वेशन का क्या मतलब आप समझ रहे हो कि इक्वेशन वो सारी स्टेटमेंट या वो सारे एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन आता है, इक्वल का साइन आता है, वो सारी इक्वेशन, वो सारे स्टेटमेंट, वो सारे एक्सप्रेशन आपकी इक्वेशन कहलाती है। तो ये सारा क्या है, ये सिंपल इक्वेशन का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सिंपल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा था, क्या लिखा था, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 25। अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि दो पार्ट में बट गया ये, जब इक्वल के लेफ्ट हैंड पे एक पार्ट है और इक्वल के राइट हैंड पे एक पार्ट है। तो ये वाला होता है एल एच एस, एल एच एस, और ये होता है आपका आर एच एस। इक्वल के लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल के राइट हैंड पे राइट हैंड साइड, यानी कि जो एक्सप्रेशन, जो इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है तो उसमें इक्वल का साइन लगा है, तो उसने पूरे एक इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एलएचएस में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, और एक कर दिया है राइट हैंड साइड में यानी कि आरएचएस में। तो उसमें क्या होता है, आप देखेंगे जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड पे, ये एक कंडीशन बनती है जब हम क्वेश्चन हमने सॉल्व करेंगे उसमें, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन किसके बराबर होना चाहिए, 25 के यानी कि आरएचएस के बराबर होना चाहिए। आगे हम जब करेंगे तो आपको आगे से और मतलब अच्छे से समझ में आएगा कि एलएचएस बराबर आरएचएस होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये दो पार्ट आपको बता दिए, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का ये दो पार्ट होते हैं यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तीसरी बात क्या आती है इक्वेशन में, इक्वेशन में तीसरी बात क्या आती है, जो इक्वेशन होती है वो वेरिएबल से फॉर्म होती है। इक्वेशन में एक दो तीन कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, जब तक वेरिएबल्स नहीं होंगे तो वो इक्वेशन इक्वेशन ही कहलाएगी, यानी कि जो इक्वेशन होती है वो वेरिएबल से फॉर्म होती है। अब वेरिएबल का दिख रहा है आपको, इसमें इस इक्वेशन में कौन वेरिएबल है, कौन कॉन्स्टेंट है, ये आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो देखिए कौन है। देखिए यहां पे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 25 है, तो ये जो 3x आपको दिख रहा है, ठीक है ना, 3x जो दिख रहा है, 3x जो 3x दिख रहा है इसमें ही वेरिएबल छुपा हुआ है और इसी में क्या है आपका कॉन्स्टेंट है। सो ये एक्स जो आप देख पा रहे हैं, जो अल्फाबेटिक एक्स है, ये स्टैंड करता है वेरिएबल के लिए, वेरिएबल, और जो थ्री है ये थ्री स्टैंड करता है कॉन्स्टेंट के लिए, कॉन्स्टेंट। जो एक्स अल्फाबेटिक एक्स है वो आपके वेरिएबल के लिए स्टैंड करता है, और जो थ्री दिख रहा है वो होता है कॉन्स्टेंट। अब एक और नई बात आ जाती है कि सर वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है। देखिए तो वेरिएबल उन नंबर्स को कहते हैं जो वेरी करते हैं, जिनका वैल्यू अलग अलग होता है, हर एक सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग वैल्यू होती है, उन सबको हम कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि वेरी करते हैं, एक ही वैल्यू नहीं होती, वेरी करते रहते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, वेरिएबल। सो वेरिएबल की जो वैल्यू है आपके वन से इन्फाइनाइट तक वेरी करती है, मतलब वन से लेकर इन्फाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है वेरिएबल की। सो इसलिए जो अल्फाबेटिक एक्स है उसे वेरिएबल कहते हैं, ऐसा नहीं है कि अल्फाबेटिक एक्स ही वेरिएबल होता है, यहां पर आप वाई ले ले, यहां पर आप जेड ले ले, ए ले ले, या आप बी ले ले, जितने भी अल्फाबेटिक अल्फाबेट्स होते हैं
उनमें अगर कोई भी है इक्वेशन में तो वही आपका वेरिएबल कहलाएगा। थ्री क्या है, थ्री आपका कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मतलब वो जो थ्री है वो चेंज नहीं होगा, मतलब थ्री जो है थ्री ही रहने वाला है, थ्री का ना तो वन होगा ना थ्री का टू होगा ना थ्री का थ्री होगा, मतलब थ्री तो रहेगा ही ना, वन होगा ना टू होगा ना फोर होगा, वो थ्री जो है थ्री ही रहने वाला है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है थ्री की जो वैल्यू है थ्री ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी, इसलिए उस चीज को कहते हैं हम कॉन्स्टेंट। बात समझ में आ रही है कि वेरिएबल किसे कहते हैं और कॉन्स्टेंट किसे कहते हैं। देखिए अब तीन चीज हमने यहाँ पे सीखी, क्या कि सबसे पहले देखा हमने कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क है, फिर हमने देखा कि इक्वेशन किसे बोलते हैं, फिर देखा कि एलएचएस और आरएचएस क्या होते हैं, उसके बाद देखा कि वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, तो ये पूरा था अभी तक के कि इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है कि चलिए हमने इक्वेशन देख लिया क्या होता है, बट अब इक्वेशन को फॉर्म करना होता है। क्यों फॉर्म करना होता है, क्योंकि आप सिंपल इक्वेशन में जो देखेंगे ज्यादातर जो इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो सब होते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड, मतलब आपको एक पूरा एक क्वेश्चन दे दिया जाता है वर्ड्स के फॉर्म में और आपको उसका इक्वेशन फॉर्म करना होता है, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करना होता है और आंसर निकालना होता है। तो पहले वर्ड्स प्रॉब्लम पे हम जाने से पहले, जब तक हमें इक्वेशन को फॉर्म करना नहीं आएगा तो हम वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो काम है हमारा वो ये है कि हम दिए गए स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। हमें कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे हमें ये वाला फॉर्म मतलब डेवलप करना है, वो कैसे करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमें वो सीखना है। चलिए बढ़ते हैं उस चीज के लिए आगे, ठीक है ना। मैं इसे रफ कर रहा हूं, आपने सबने नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक, है ना। चलिए तो मैं आपको यहां सिखाने वाला हूं कि एक इक्वेशन को कैसे सेटअप करते हैं या कैसे फॉर्म करते हैं, हाउ टू सेटअप अ इक्वेशन बाय गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट कैसे करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टेटमेंट मैं ले रहा हूं यहां पे, ठीक है। मैं दे देता हूं सम ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड फाइव गिव्स 102। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड फाइव गिव्स 102। क्या बोल रहा है कि किसी भी एक नंबर का थ्री टाइम्स और उसका सम फाइव के साथ हमें क्या देता है, 102 देता है। तो क्या करना है कि थ्री टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी कि थ्री टाइम्स ऑफ अ नंबर, नंबर हमें नहीं पता है इसलिए हमने उसे एक्स मान लिया है, नंबर तो हमें नहीं पता है ना इसलिए हमें उसे एक्स मान लिया है, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो थ्री टाइम्स ऑफ अ नंबर, थ्री टाइम्स ऑफ अ नंबर क्या बोल रहा है, सम ऑफ, सम ऑफ किस किस का, थ्री टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड फाइव, किस किस का सम बोल रहा है कि एक नंबर का थ्री टाइम्स प्लस फाइव सम बोल रहा है ना, इसलिए प्लस फाइव क्या देता है, गिव्स, मतलब क्या देता है उसका आंसर जो होता है 102 होता है। तो कुछ इस तरह से हम अपने इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, अपने इक्वेशन को सेटअप करते हैं गिवन स्टेटमेंट के साथ। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड फाइव गिव्स 102, सो 3x प्लस 5 यानी कि थ्री टाइम्स ऑफ अ नंबर प्लस 5 हमें क्या देता है, हमें मतलब उसका आंसर क्या आता है, 102 आता है। तो ये तरीका होता है आपको जो एक स्टेटमेंट दी हुई होती है उससे अपनी एक इक्वेशन को फॉर्म करने का। ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी का साइन यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है आपको इक्वेशन फॉर्म करने का, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लिए, नेक्स्ट मैं बता रहा हूं कैसे करते हैं, हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। वो जो एग्जामिनर है हमें कोई भी एक स्टेटमेंट दे सकता है और बोल सकता है कि इसका एक इक्वेशन फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। तो कोई भी एक ले लेता है, टेक
फाइव फ्रॉम अ नंबर गिव्स 72। क्या बोल रहा है? टेक फाइव फ्रॉम अ नंबर गिव्स 72। यानी कि किसी भी एक नंबर से फाइव क्या करने पर, टेक मतलब सब्ट्रैक्शन करने पर, निकालने पर, लेने पर, मतलब हमें नंबर नहीं पता है तो नंबर हम क्या ले लेंगे, x मान लेंगे। जो नंबर हमें नहीं पता होता है उसे हम x, y, z कुछ भी मान सकते हैं, तो नॉर्मली हम x लेके चलते हैं, ठीक है। सो x, x एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। सो टेक फाइव फ्रॉम अ नंबर, यानी कि नंबर हमें नहीं पता है तो हमने उसे x मान लिया। अब क्या बोल रहा है, फाइव, टेक फाइव मतलब फाइव लेना है हमें, x में से फाइव लेना है, यानी कि फाइव हम माइनस करना है। सो x माइनस फाइव 72 के बराबर होता है, यानी कि टेक फाइव फ्रॉम अ नंबर गिव्स 72। x में से फाइव सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 72 मिल जाता है। सो ये जो स्टेटमेंट बना, ये जो इक्वेशन बना है, ये स्टेटमेंट से बना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं गिवन स्टेटमेंट के साथ। क्योंकि ये चीज अगर पहले अगर नहीं सीखोगे ना, तो उससे क्या होगा कि जो आप वर्ड्स प्रॉब्लम करने वाले हैं, हम वर्ड्स प्रॉब्लम जो करने वाले हैं आने वाले सेशंस में, वो आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आप इक्वेशन ही फॉर्म नहीं कर पाओगे। जब तक आप इक्वेशन फॉर्म नहीं करोगे तो आप कैसे उन्हें सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। सो सबसे पहला स्टेप ये है सिंपल इक्वेशन में, कि हमें अपना इक्वेशन को फॉर्म करना आना चाहिए, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो ये दो एग्जांपल मैंने बताया है कि जो स्टेटमेंट दी हो उनसे अपने इक्वेशन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। चलिए दूसरी जगह क्या आ जाता है कि आपको इक्वेशन दी होती है और आपको स्टेटमेंट बनानी होती है, ठीक, इसका उल्टा करना है। अभी क्या है कि स्टेटमेंट दी हुई है, इक्वेशन बनानी है। सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि आपको इक्वेशन दिया होता है और आपको स्टेटमेंट बनानी होती है। चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, देखते हैं। अब यहां पे लिख लेते हैं हाउ टू मेक स्टेटमेंट, हाउ टू मेक स्टेटमेंट बाय गिवन इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है, हाउ टू मेक स्टेटमेंट बाय गिवन इक्वेशन। कोई इक्वेशन हमें दिया हुआ है, उससे हम स्टेटमेंट कैसे फॉर्म करेंगे वो भी हमें जरूरी है, वो चीज भी हमें सीखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 53। मान लीजिए कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए यहां पे मैंने y लिया है, पहले मैंने x लिया था, अब मैंने y लिया है, कोई फर्क नहीं है, y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल था, y की भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और x की भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, मैंने बताया आपको, ठीक है ना। सो 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 53, ये कोई एक स्टेटमेंट इक्वेशन हमें दिया हुआ है, इससे हमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट फॉर्म करनी है। कैसे कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल सेम तरीका है, जैसे हमें पहले स्टेटमेंट दिया हुआ था उसका हमने इक्वेशन बनाया, अब इक्वेशन दिया हुआ है स्टेटमेंट बनानी है। सो क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ फाइव टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 13 गिव्स 53, ठीक है। क्या है, सम ऑफ फाइव टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी कि फाइव टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 13, दोनों का सम, यानी कि वाई का फाइव टाइम्स और 13 का सम जो है हमें क्या देता है, 53 देता है, मतलब उसका आंसर जो आता है 53 आता है। तो सो सम ऑफ फाइव टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 13 गिव्स 53। देखिए आप इक्वेशन जो हमें दी हुई है, आप उसका स्टेटमेंट किसी भी अपने लैंग्वेज में, मतलब जो आपको सुटेबल लगे, भाई जैसे मैंने ये लिखा है कि सम ऑफ फाइव टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 13 गिव्स 53, तो एक इक्वेशन का नंबर ऑफ स्टेटमेंट बन सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है वही स्टेटमेंट इसका आंसर है, जो आपको अच्छा लगे आप क्या कर सकते हैं, एडिंग 13 विद फाइव टाइम्स ऑफ अ नंबर गिव्स 53, मतलब एडिंग अ नंबर, मैं दूसरा स्टेटमेंट भी लिख देता हूं, ठीक है,
एडिंग 13 विथ 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर गिव्स 53। देखा आप, ये स्टेटमेंट वन हो गया, स्टेटमेंट वन हो गया और ये स्टेटमेंट टू हो गया। आप मुझे बताया दोनों सही है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल दोनों सही है कि सम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 13 गिव्स 53 और एडिंग 13 विद 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर गिव्स 53, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इक्वेशन को किस अपने मतलब किस नजरिए से देख रहे हो, किस पॉइंट से देख रहे हो। तो आप जिस तरह से देखोगे और आपको जैसा अच्छा लगेगा, जैसी स्टेटमेंट बनानी अच्छी लगेगी, जैसी लैंग्वेज आपको अच्छी लगेगी, वो स्टेटमेंट आप बना सकते हो, आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दो ही स्टेटमेंट इस इक्वेशन की आंसर होने वाली है। एक इक्वेशन की नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट बन सकती है और जो भी जैसे भी स्टेटमेंट बनाएगा वो बिल्कुल सही होने वाली है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैं पहली स्टेटमेंट लिखूं या दूसरी स्टेटमेंट लिखूं, क्योंकि पहली स्टेटमेंट भी ठीक है और दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। बात समझ में आ रही आपको, है ना। तो ये था आप इक्वेशन से स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। पहले हमने देखा कि स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अभी हम देख रहे हैं कि इक्वेशन से स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। पहले स्टेटमेंट से इक्वेशन और अभी इक्वेशन से स्टेटमेंट, ठीक है। तो नोट डाउन कर लें दोनों चीजें, चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। ओके चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या होने वाला है। आप इन चीज की जो मैंने आपको बताया है ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आप ये पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना। दो चीजें नहीं, काफी चीजें आज हमने सीखी है कि सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क देखा, इक्वेशन का क्या मतलब होता है वो देखा, उसके बाद एलएचएस आरएचएस दो पार्ट होते हैं इक्वेशन में वो हमने सीखा, उसके बाद वेरिएबल कांस्टेंट किसे कहते हैं इक्वेशन में वो हमने देखा, और उसके बाद देखा कि स्टेटमेंट से इक्वेशन और इक्वेशन से स्टेटमेंट कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए जो स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है जो सिंपल इक्वेशन का, वो आज हमने स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट वो खत्म कर चुके हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, काफी सारे तरीके होते हैं, सारे बताने वाला हूं, ठीक है। सो आज की वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिलता रहे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। सुरक्षित रहें, घर पे रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।